हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन रिएक्शन। आज की वीडियो बनेगी ढिंढोरा की एक नए एपिसोड पे, जिसका नाम है इरेक्शन इन प्रोग्रेस। अब इरेक्शन किस चीज की, ये तो देख के पता लगेगा कि किस नाम चीज इसी की तरह की लगाता किस प्रोग्रेस है। बिल्कुल तो जितने भी एपिसोड आई हैं अभी तक हमने सब पे रिएक्ट किया है। आप आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत मजे के एपिसोड्स हैं और ये स्टोरी बड़ी मजे की लिखी हुई है बीबी ने। ट्रेलर से लेके तो अभी तक फोर्थ एपिसोड तक बिल्कुल हमने ट्रैक बहुत किया है कमाल अभी और तक चल अभी रहा है। फिफ्थ सिक्स वीडियो हमारी और ये इसके ऊपर फिफ्थ एपिसोड आई है और इस पे तो सिक्स्थ वीडियो है हमारी, क्योंकि ट्रेलर पे भी हमने हाँ, किया हमने हुआ ट्रेलर पे है। भी रिएक्ट किया हुआ है। आप चलते हैं अब इस ट्रेलर सॉरी एपिसोड की तरफ, तो देखते हैं कैसी है। इसके अमर आ गया। वंस फॉर आई मेरे पैसे बाबा कब देगा टीचू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था। पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता। बाकी भाभी जी, आपने जो वादे की है ना, उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। लिफ्ट लगा दोगे भाई साहब? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था? मुझे पता किसने किया। किसने वेंच? 20 रुपए दो। 20 रुपए दो तो काम की बात बताऊंगा। टिट्टू मामा पकड़ा। टिट्टू मामा दिल्ली। यस, जामा मस्जिद। हेलो। हाँ लखन, नहीं मैं किसी काम से दिल्ली आया था। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे। तुझे इग्नोर इग्नोर कैसे करूंगा? तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? आ, 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 आ। क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा, ठंडी मारी यार, ठंडी के बच्चे। मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ। हाँ बात करता हूँ बाद में। ओके। हाँ कविता। अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम बताओ। अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट? ये मारने जा रहा है उसको गाड़ी। कितना बड़ा है देखते हैं। ये इसी वजह से फास्ट भाग रहा है, मतलब सीधा पेट तक। अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? कहा था ना तुझे। अरे बाप रे, जीजा जी। वो जीजा ठोक दिया। मैंने कहा था यही है। ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग टीटू, अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग को बिना सुने मारेंगे। दीदी को बाद में समझा दूंगा। सॉरी जीजा जी। तो ये हुआ था। दीदी मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरी बात। तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सकती। मंगलसूत्र? तूने मेरा सुहाग चीटने की कोशिश करी। दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? मेरा सुहाग, माय जेनिटल मैन। जेनिटल मैन। जल्दी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? अरे बोलो ना ख्वाब में पूरे करती थी। बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी। अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी। ये बेड पे मूतरा दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी। जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पहरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके। याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था। इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी, सब भूल गया। घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी। खुद ही गा रहा है। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी। सोचा नहीं था। पिक्चर में कुछ है। अच्छा, इसकी स्टोरी बड़ी जल्दी समझ आ जाती है मुझे कि अब ये होने वाला है। प्लॉट नंबर 402।
इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। क्या चल, लॉटरी का आता पता ही नहीं है, टिकट पापा लॉटरी का। अरे भाभी जी, भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। करोड़पति का है सोनी पे? अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति। सॉरी बबलू जी, वो अकाउंट में करोड़पति। आइए बबलू जी आ गए। भाई बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। खाना पहनाओ। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान दो या आपको चंद्रयान दो याद है? ज्यादा वेट की वजह से आ गया। तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान दो के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर हैशटैग रिच लाइफस्टाइल डाल रहे, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपाकर रखे थे अपनी ननद के डर से वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही है। क्यों बताइए? क्यों? क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे कैसे बदलने वाली है? कैसे कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लोगों का भला। हाँ, आपकी इसी दानवीरता उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। पुतला? दुबे जी, तो जीपीएस ट्रैकर है ना, इस पे नाम देते हो, स्पेलिंग सही देना। तो बबले ना। बबला ना। अरे भाई हमारे चहीते का पुतला लाओ, लाओ भाई। बबले। फोटो हो जाए क्या ये? I like this guy. और ए स्माइल मैच कीजिए इससे, और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ, इसको कहाँ रखेंगे, बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। तीन गोटे बेंच? लेकिन तीन गोटे ऐसा तो कुछ भी नहीं। सही होता है, आप सिर्फ वादा कर दो, कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। अरे ना हो, नाचो के मुंह में दे जा रहे। कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Oh my God, she is cute. अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा। He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशल। एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था। क्या? He'll be fine. अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहनजी बोल दिया। बहनजी? तुम कब जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। सो यू आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक, व्हाट्स योर टेस्ट लाइक? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, यू टू, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह, तीन एंड पे बहुत लेजेंड है हमारे लिए। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स होता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी है। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक ये घुमा था वो घूम रही है। हाँ, तेरे प्यार में ऐसा डूबा के निकलने का मौका ही नहीं मिला। म्यूजिक स्कूल जाऊं ना जाऊं, एक दिन जाऊंगा ना ये सोच के मैं जी लेता हूं। जाओगे पक्का?
सपोर्ट टीटू मामा में लगता है यही कड़ा करा टीटू मामा ने इधर कुछ सोने पे आया लग हाँ वो तो आके बैठ आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया जब दीदी की शादी हो गई थी ना केजरीवाल के साथ पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया दीदी ने मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था मैंने चाकू मार दिया आते बाहर एक 65 ml बनावे मुझे खून ही समझ रही है That same brother of mine thinks मैं खूनी हूँ क्या हूँ खूनी हूँ मैं खूनी हूँ मैं तो आपका sentence complete कर रहा था ना मैच मतलब आप स्कूल के दिनों पे डेरिंग थे सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है यार कुछ और भी है जो हमें नहीं पता सोचा नहीं था मामा मांदी और मॉल वर्ल्ड हो भाजी बैठ नहीं बैठो अच्छा आप बैठ तू बैठ ही मैं नहीं पीता मामा वेरी गुड दिस इज पॉइजन बेटा अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेंटेन लुक ओवर कॉन्फिडेंट है मेरा 65 किधर है बेटा मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता अभी इमोशनल कर रहा है इसने एकदम से ऊपर पंप कर हमें पुलिस के पास जाना चाहिए नहीं बेटा नहीं कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की यानी कि मेरी गलती है इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइडर गो स्लो कविता की बिल्ड अ मोमेंटम आहिस्ता मामा आई एम सॉरी मैंने आप पे शक किया मैं आपकी टीम में हूं अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम मैं यू भी हेल्प आशीष नेहरा पर पता कैसे चलेगा किसने किया अरे हाँ वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था क्या केजरीवाल कर क्या रहा
20 रुपए दो के तो बताऊंगा। आगे बार्टेंडर भी है। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊंगा। ऐसे भैया क्या बहुत थोड़ा पप्पू है ये। मोबाइल वारदात के ठीक सामने खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक रैविशिंग इन रेड। ओ दैट्स आवर हस्बैंड विद यू, आई एम सॉरी सर, ड्रिंक्स ऑन मी टुनाइट। तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मैं डाल के उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजे? मैं झूठ बोल रहा। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्द जीना फॉर यू कमिंग बेबी। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट अरे। ये देख ये देख। पीछे कर पीछे कर। मामा होला। ए बेटा कॉमो स्टार्स ग्रासिया से माकर है ना। आओ। अरे मामा होला। होला कौन है? मेरे ख्याल से वो डॉन होगा। हाँ 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 हाँ। ये मेरा फलावर आता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। उसका दोस्त जो था। हाँ डॉन है। सर में गांड फट जाएगी। वीएफएस लेके गांड फट जाएगी। उसने धक्का दिया। हाँ। वो जो और इसने वो डॉटरी पकड़ ली होगी। हाँ। जैसे सीन हुआ। बस तो यार बड़ी तो यार कहाँ से आ गया था भैया। मजा आने लगा था यार। किधर आगे खत्म किया यार, इतनी इंटरेस्टिंग करके उसने सही उसने सीरीज बनाई। इस तरह करके इस तरह कर दिया यार, बड़ी मजे की। तो मजा आना था पिछली बार टीटू मामा पे एंड हुआ। इस बार इस पे एंड हो गया। और उसने अब वो ना हो गया अगले में जाके ये भी कहे कि मैं मेरे से गलती से हो गया। नहीं पर फेस रिकॉग्निशन नहीं लग रहा आज करके इधर देख के। लेकिन वो कहे कि मेरे पास टिकट नहीं है। मुझे लग रहा है टिकट उसके सर के ऊपर ही है। हाँ, मुझे लगता है उन्हें सर पे यहाँ रख के जब बंदा था ना गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था, टिकट उसके यहाँ पर ही है। ये तो पता लगेगा आगे आने वाली एपिसोड्स में। तो अभी बंदे पकड़ेंगे कि किस किस का हाथ है इसके अंदर। मजे की स्टोरी है। एक ये चीज है, क्लोन कैसा कमाल इसमें, इसमें भी बड़ी अच्छी तरीके से क्लोन यूज किया। मैं क्लोन देख रहा था बड़े गौर से, यार कैसे हो सकता है ऐसे। करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा, और इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है वो आपको कैसे इंटरेस्टिंग लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए सी या।